न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ कावेंद्र चौहान। आपने सुना होगा कि नेता जो मुद्दा उनके हक में होता है उसका तिल का ताड़ और राई का पहाड़ बना देते हैं, लेकिन जो मुद्दा उनके मुद्दे पर मैदा लगा देते हो उस पर बात करने से कौम बचती रही है। जैसे कि आज हम बात करेंगे APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी की, जहां की खबर सुनकर आप कुछ देर के लिए दुनियादारी से बेखबर हो सकते हैं, आप गहन विचार में भी जा सकते हैं। लेकिन उससे पहले जनरल बात कर लेते हैं कि अगर पढ़ाई जूम पर हो सकती है तो परीक्षाएं क्लासरूम में लेने की जिद आखिर क्यों है। अगर पूरे कोरोना काल में पढ़ाई ऑनलाइन हुई हो तो ऐसे में कोरोना की दूसरी वेव आने पर परीक्षाएं ऑफलाइन कराने की बात लॉजिकल नहीं लगती। सरकारें एक तरफ परीक्षा पर चर्चा करती हैं, लेकिन चर्चा में इस बात को क्यों नहीं रखा जाता कि जिस छात्र ने पूरी पढ़ाई ऑनलाइन की हो आज उसको फिजिकली क्लासरूम में आकर परीक्षाएं देने के लिए मजबूर क्यों किया जा रहा है। छात्रों की बात आखिर छात्रों से ही क्यों नहीं की जाती। AC रूम में बैठकर मिनरल वाटर पीने वाले फैसले लेने से पहले उस छात्र से बात क्यों नहीं करते कि जो सादा पानी पीता है और जिस पर ये फैसले लागू होते हैं। कोरोना काल आते ही छात्रों से कहा गया कि ऑनलाइन पढ़ाई कराई जाएगी, तब उनसे नहीं पूछा गया कि क्या उनके पास संसाधन हैं ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए, क्या उनके पास इंटरनेट कनेक्शन या फिर मोबाइल टैब या फिर लैपटॉप है भी या नहीं। लेकिन फिर भी ऑनलाइन पढ़ाई का फैसला लिया गया और छात्रों ने इसे माना भी, क्योंकि उस वक्त हेल्थ को एजुकेशन से ऊपर रखा गया था। अब सवाल उठता है कि क्या कोविड के बिगड़ते हालातों के बीच जब दूसरी वेव इतनी तेजी से संक्रमण फैला रही है तो क्या छात्रों का परीक्षा केंद्रों पर आकर परीक्षा देना सेफ। ध्यान देने वाली बात है कि जब बीते साल कोरोना संक्रमण हम सब के लिए नया था, ऐसे में सभी ने सरकारों की सुनी। 2019-2020 सत्र के दौरान छात्रों ने पूरे वर्ष पढ़ाई की, लेकिन परीक्षाएं उन्हें ऑनलाइन देनी पड़ी। और अब 2020-2021 के सत्र में छात्रों ने जब ऑनलाइन पढ़ाई की है तो उन्हें ऑफलाइन परीक्षाएं देने के लिए मजबूर क्यों किया जा रहा है। ऐसे में देश के कोने कोने से छात्रों के प्रदर्शन की खबरें आ रही हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी की। यहाँ छात्रों ने ऑनलाइन परीक्षाएं कराए जाने को लेकर प्रदर्शन किए थे, लेटर भी लिखे, लेकिन उनकी एक बात भी नहीं सुनी। ऐसे में जब छात्र नेताओं ने वहाँ के वाइस चांसलर विनय कुमार पाठक से बात की तो उनका कहना था कि वो परीक्षाओं को ऑनलाइन या ऑफलाइन कराए जाने को लेकर फैसला नहीं ले सकते हैं, ये फैसला सरकार लेती है। इसके बाद जब छात्र नेताओं ने शिक्षा मंत्री दिनेश शर्मा से बात की तो उनका कहना था कि इस पर फैसला वाइस चांसलर ले सकते हैं। दोनों पक्षों की बात सुनकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को लेकर बनते वो व्यंग याद आते हैं, जब एक व्यक्ति कहता है कि काउंटर नंबर 10 पर बात करिए और फिर काउंटर नंबर 10 वाला व्यक्ति कहता है कि आप काउंटर नंबर 7 पर बात करिए, और ऐसा सुनते सुनते एक आम आदमी घर पर जाकर इस सब घटना की बात करने लगता है। तो ऐसे में उन छात्रों को जवाब कौन देगा या वो छात्र आखिर किससे बात करें, ये भी सरकार को साफ कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ बात कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच परीक्षा कराने से छात्रों के जीवन के साथ खिलवाड़ के साथ साथ उनके भविष्य के साथ भी खिलवाड़ को दिखाता है। अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी में हुई परीक्षाओं के बाद खबर है कि कई छात्रों ने डिप्रेशन में आकर सुसाइड कर लिया। सुसाइड नोट में भी बढ़ते दबाव के बीच परीक्षा कराए जाने का ही कारण बताया गया है। इसमें आयुष गुप्ता RKGIT से सेकेंड ईयर के छात्र थे, शिवानंद मिश्रा CSE के छात्र थे, गाजियाबाद के काइट कॉलेज से भी एक छात्र द्वारा सुसाइड किए जाने की खबर है। इसके साथ ही GL बजाज के छात्र आनंद वैभव ने भी सुसाइड किया था, ये खबरें हैं। इतनी गंभीर परिस्थितियों के बीच भी विश्वविद्यालय प्रबंधन की मनमानी गंभीर सवाल खड़े कर दी है। छात्रों ने DC को एक पत्र भी लिखा है, इसे भी आपको सुनना चाहिए। हम सभी विद्यार्थियों का संघर्ष पिछले 3 माह से चल रहा है। AKTU विश्वविद्यालय के सभी स्टूडेंट्स पिछले महीने संपन्न हुई परीक्षाओं को ऑनलाइन कराने के प्रयास में निरंतर प्रयत्न करते रहे, पर UP सरकार व AKTU कुलपति निरंतर अनदेखा करते रहे और हमारी परीक्षाएं जबरदस्ती ऑफलाइन मोड पर करवाई गई, लेकिन बिना कोई कोरोना गाइडलाइंस के। पूरा सेमेस्टर ऑनलाइन कराने के बाद और बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए यह उचित नहीं हुआ, हमारे साथ यह अन्याय हुआ है, जिसके कारण बच्चों को लगभग बिना कोई तैयारी के परीक्षाएं देनी पड़ी और इससे दुखी तथा अपने भविष्य की चिंता करते हुए कई छात्रों ने तो आत्महत्या कर ली। इसका जिम्मेदार आखिर है कौन, और
हम सब अब परीक्षाएं संपन्न होने के बाद भी AKTU अपनी मनमानी करता ही जा रहा है और वो यह भी है कि वह अप्रैल के महीने में जब कोरोना की दूसरी लहर चल रही है एवं प्रतिदिन 85,000 से अधिक मामले आ रहे हैं और यूपी में लगभग 3,000 से अधिक मामले और सर्वाधिक जिसमें लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, मेरठ से हैं, तो इस वक्त वहाँ जबरदस्ती कॉलेजों को खोलकर बच्चों को बुलाया जा रहा है, जो पूर्णतः उचित नहीं है। ऐसे में अभिभावक की काफ़ी चिंता में है और कुलपति व सरकार कुछ नहीं कर रहे। ऐसे में छात्रों ने अपनी मांगें भी रखी हैं। उनकी मांगें हैं कि संपन्न हुई परीक्षाएं सभी में लीनियंट चेकिंग की जाए और छात्रों को पास किया जाए, इस अप्रैल महीने में ऑनलाइन क्लासेस का संचालन किया जाए व फीस में कटौती की जाए, जिन बच्चों ने आत्महत्या की है उनके परिवारों से संपर्क किया जाए, कॉलेजों में सख्ती से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जाए। आगे लिखा है, जो कि अभी तक नहीं हुआ है, AKTU के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। ऑनलाइन कक्षाओं के साथ साथ ट्रेनिंग व टेस्ट भी ऑनलाइन मोड में ही किए जाएं, कम से कम अप्रैल महीने तक। तो यदि ऊपर दिए हुई मांगें नहीं मानी गई तो हम छात्र भी कॉलेज नहीं आएंगे। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ यह है कि हमारे कुलपति के ऊपर लगे करप्शन के आरोपों की भी जाँच की जाए और उन्हें आखिरी चेतावनी दी जाए। ये सब छात्रों ने अपने पत्र में लिखा है। अब जहाँ तक सैनिटाइजेशन और ये सब की बात रही, ये सब कहने की बात होती है, पूरा साल हमने अपने बच्चों को ऊपर से सीढ़ियों से नीचे नहीं उतारा कि हमारे बच्चे बाहर जाके इन्फेक्टेड हो, और ये चाहते हैं कि हम स्कूल में अपने बच्चों को भेजें। सबके घर में ग्रैंड पेरेंट्स हैं और छोटे बच्चे हैं, ये बच्चे घर पर इन्फेक्शन लेके जाएंगे तो वो लोग भी तो बीमार होंगे ना, ये लोग ये बात क्यों नहीं समझ रहे। VC ने जो पत्र लिखा है आपको उसको भी सुनना चाहिए, वो पत्र मेरे हाथों में है। इस पत्र में जो बातें लिखी हुई हैं उसको सुनकर आप थोड़ी देर के लिए अचंभित रह जाएंगे। यहाँ पर VC ने लिखा है कि विश्वविद्यालय से संबंध समस्त संस्थाओं के निदेशक, प्राचार्य और ये छात्रों के लिए पत्र लिखा गया है, जो कि 9 अप्रैल 2021 को लिखा गया है। इसके सबसे ऊपर सब्जेक्ट में लिखा गया है कि COVID-19 महामारी के बढ़ते संक्रमण के कारण विश्वविद्यालय से संबंध संस्थानों द्वारा किए जाने वाले सार्थक प्रयासों के संबंध में उन्होंने ये पूरी बातें लिखी हैं। इस पर गौर करने वाली बात सुनिएगा। COVID-19 महामारी के बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत कुलपति महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 9 अप्रैल 2021 को संपन्न बैठक के दौरान ये मतदय स्थिर हुआ है कि विश्वविद्यालय एवं विश्वविद्यालय से संबंध रखते हुए सभी संस्थानों द्वारा कोविड महामारी से सफल बचाव के उपायों तथा आधिकारिक वैक्सीनेशन हेतु हर संभव प्रयास किया गया। ये उन्होंने बात लिखी है, अपनी पीठ थपथपाई है, लेकिन इसमें सबसे गौर करने वाली पॉइंट्स ये हैं कि एक जगह लिखा है कि विश्वविद्यालय से संबंध संस्थान स्थानीय प्रशासन से संपर्क कर वैक्सीनेशन हेतु अपने आप को आगे लाए और टीकाकरण कराए। अब इस पूरे लेटर को जब आप पढ़ेंगे तो आपको एक चीज़ निकल कर सामने आएगी। इस लेटर में बार बार जिक्र किया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा टीकाकरण करवाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब वैक्सीनेट हुए आप। ऐसे में शायद यहाँ पर वाइस चांसलर साहब ये भूल गए कि देखिए, जो छात्र यहाँ पर बैचलर्स की डिग्री ले रहा है या फिर जो छात्र मास्टर्स की डिग्री ले रहा है, यकीनन उसकी उम्र उस दायरे में नहीं आती होगी कि जिस दायरे में वैक्सीनेशन किया जाता होगा। तो ऐसे में वाइस चांसलर साहब ने ये जो पूरी चिट्ठी लिखी है इसमें जो जोर दिया गया है वो टीकाकरण पर दिया गया है, लेकिन वो साहब ये भूल गए कि छात्रों की उम्र जो है उस दायरे में अभी नहीं आ पाई है कि जहां पर टीकाकरण किया जा सके। तो ऐसे में ये लेटर अपनी पीठ थपथपाने के लिए तो बेहतर है, लेकिन इस लेटर से कुछ भी होने वाला नहीं है, क्योंकि एक संस्थान में 90% जो संख्या होती है वो दरअसल छात्रों की होती है। अब बात करते हैं, बीते साल जब पूरे भारत में सिर्फ 100 कोरोना के मामले थे तब हमने अपने स्कूल और कॉलेजेस बंद कर दिए थे, और अब जब कोरोना का कहर एक बार फिर लौट आया है तब ऐसे में ऑफलाइन परीक्षाएं कराना युवाओं के भविष्य और जीवन के साथ खिलवाड़ है। यो प्रोग्राम किसी को ब्लेम करने के लिए बिल्कुल नहीं है, बल्कि हम चाहते हैं कि इसका उपाय निकाला जाए। बीते साल जब कुछ हज़ार केस सामने आए थे तब ऑनलाइन परीक्षाएं कराई गई थी। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सब साथ आए थे। शिक्षकों ने पहली बार ऑनलाइन पढ़ाई कराई थी और छात्रों ने पहली बार ऑनलाइन पढ़ाई की थी, लेकिन इस बार हालात अलग हैं। हम सब कोरोना के खतरों से वाकिफ हैं और ऐसे में छात्रों को फिजिकली परीक्षाएं देने के लिए बुलाना ठीक नहीं है। सरकार के पास भी इसके गोलमोल जवाब ही हैं, कोई सीधा सटीक और अच्छा जवाब नहीं दिखता, लेकिन ऐसे समय में हम ये प्रिटेंड बिल्कुल नहीं कर सकते कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। सोशल मीडिया पर छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार को भी समझना चाहिए कि समय के साथ
बदलाव जरूरी होते हैं। ऑनलाइन पढ़ाई और परीक्षाएं ही फ्यूचर हैं और कई देश इसे अपनाने में भी लगे हैं। वहीं नई एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि पूरे बजट का 6% शिक्षा पर दिया जाना चाहिए, लेकिन 2021 में बजट का सिर्फ 2.63% शिक्षा पर दिया गया, जो कि 2020 में 3.26% था। जिस देश में नेताओं के भाषणों में छात्र होते हैं, उनके मैनिफेस्टो में छात्र होते हैं, लेकिन उनके एजेंडों में छात्र क्यों नहीं होते, तो ये बात सोचने वाली बात है। छात्र ही देश का भविष्य होते हैं, लेकिन जिस तरह से शिक्षा का व्यापार बनाया गया है वो बिल्कुल गलत है। पेरेंट्स को भी चाहिए कि इस कठिन समय में अपने बच्चों पर अनायास प्रेशर ना बनाएं, उन पर दूसरों की देखा देखी दबाव ना बनाया जाए। बच्चों को आसपास के बच्चों से कंपेयर तो बिल्कुल ना किया जाए, इस एक्टिविटी को बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। इसके साथ ही अब समय है कि हम सबको ये सोचना चाहिए कि कब तक हम शिक्षा से ज़्यादा परीक्षाओं को महत्व देते रहेंगे। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ बने रहिएगा, लेकिन गौर जरूर करिएगा कि ऑनलाइन पढ़ाई अगर हुई है तो ऑफलाइन परीक्षाएं कराने पे जोर क्यों दिया जा रहा है। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद।